नवी मुंबई स्थित फल तथा सब्जियों की थोक मंडी है। इस मंडी में आज तकरीबन 6 महीनों से थोक टमाटर बेचने वाले तथा बाजार समिति के बीच तलवार खींची हुई है, जहां कभी भी मामला गंभीर रूप इख्तियार कर सकता है। उसकी वजह यह है कि टमाटर विक्रेताओं के टमाटर से भरी वाहनों को बाजार से बाहर नहीं जाने देना। बाजार समिति थोक टमाटर विक्रेताओं की गाड़ी को 2 से 4 दिन तक रोक देते हैं, जिसकी वजह से टमाटर विक्रेताओं का टमाटर सड़ जाता है और उन सभी थोक विक्रेताओं को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मौके की गंभीरता को देखते हुए नवी मुंबई पुलिस ने सब्जी मार्केट में भारी पुलिस बंदोबस्त कर दिया था। हमारे प्रतिनिधि ने व्यापारियों से बात की, तब उनका कहना था, ये गांव व्यापार भाजीपाला व्यापारी महासंघ के सभी तकलीफ है। इन्होंने गाड़ियों को रुकाते हैं, इनकी दादागिरी है। बोलते हैं कि हमारा 14 साल से 15 साल से ऐसा धंधा सब चल रहा है, सभी लोग की गाड़ियां जाए, कभी नहीं ऐसा रुकाया गया। तो अचानक अचानक ये जो समस्या पैदा हुआ, अब ये जो है ये 6 महीना से चल रहा है। हाँ, तो इनका चल रहा है, उसके पीछे वजह क्या है? वजह ये बोल रहे हैं कि हमारे को जगह नहीं है। बोलते हैं नया मार्केट बना, नया विंग बना है, वी विंग, उन दूसरे 285 गाला है, लोगों ने बुकिंग करा लिया। वो बोलते हैं जबरदस्ती की गाला के भाड़ा के गाला पे माल बेचो और हम लोग उसमें बेचेंगे नहीं, गाला के भाड़ा के गाला। कहना है कि आप भाड़े के गाले में माल बेचिए और उनका भाड़ा चुकाइए। हाँ, भाड़ा चुकाइए और आप लोग ये ओपन स्पेस में यहाँ पे माल बेचना। हाँ, हम ओपन सेट का ही है। बदले में आपको कोई किराया देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? हाँ, किराया एक गाड़ी का 75 रुपया, 75 रुपीज। अच्छा, यहाँ पर ओपन स्पेस में गाड़ी का 75 रुपया है, तो अगर समझिए किराए के गाले में जाते तो महीने का क्या देना पड़ेगा? नहीं, हमको चाहिए ही नहीं है, क्योंकि हमको आज वहाँ धंधा चलने लगे, वो चाहते हैं कि हम लोग धंधा उस पर चलवाएं और फिर गाला वाले हमको भगा देना। हमारे हाथ से ओपन सेट भी जाएगा, गाला भी जाएगा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसा हमको हालत कराना चाहते है व्यापारी महासंघ वाले। तो अभी कुल मिलाकर क्या निचोड़ निकला ये बताइए? अभी निचोड़ ऐसा निकला, कल 9 तारीख को पणन मंत्री जी ने सुधीर तुंगारे करके अपने सचिव हैं बाजार समिति के, उनको ऑर्डर दिए राधा कृष्ण विखे पाटिल ने कि इनकी गाड़ी रोका नहीं जाए, इनको जगह नहीं है, तो जैसा जाती है बाजार फी वगैरह वगैरह भर के इनकी गाड़ियों को जाने दो, किसी गाड़ी को रोको मत इनको। लेकिन इन्होंने ऐसा पा गए हैं कि हमारी गाड़ी दो दो दिन चार चार दिन रखड़ा के कईयों करोड़ों का घाटा हमारे लोग के पूरे व्यापारी का दे दिए हैं, कम से 3 से 4 करोड़ का हमारे व्यापारी मंडल का घाटा हो गया। आज कितनी गाड़ियां रुकी? आज 30-40 गाड़ियां रुकी हुई हैं। तो अब 40 गाड़ी रुकी हुई है। हाँ, समस्या पैदा हो गई, तो इसका कुछ हल निकला कि नहीं? अभी तक कुछ अभी हल नहीं निकला है, जो कि 1 बजे रात की गाड़ी आई हुई है। हम लोग कभी उनके ऑफिस में, कभी उधर, कभी उधर, यहाँ 200-150 महासंघ वालों का तादाद में भीड़ लगी हुई है और उनके दादागिरी के सामने कोई कुछ बोल नहीं रहा है। यहाँ तक बाजार समिति के साहब भी डरे हुए हैं। इसी मसले पर बाजार समिति के सहायक सचिव से बात की गई, तब उनका कहना था कि पूरे महाराष्ट्र से आने वाले टमाटर एपीएमसी मार्केट में आते हैं और यहाँ के थोक व्यापारी उन टमाटरों को सीधा मुंबई भाईंदर रवाना कर देते हैं। ओपन सेट में नहीं, कैसा हुआ मालूम है आपको? एक बोलता हूँ कि एक्ट रूल्स और रेगुलेशन में जो डिसीजन हुआ है, जो कुछ माल आता है ऑल ओवर महाराष्ट्र में, वो नवी मुंबई में अभी ये हुआ है, ये जो मार्केट है उसमें तुम खाली करके बेचने का है, यानी लोकल एरिया में बेचना है। हाँ, लोकल एरिया में। ओके, एपीएमसी में जो ये है ना, उसमें तुम ये करना। बिल्कुल, मतलब आपका कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ से आप वापस जो है कहीं कोल्हापुर, सोलापुर, गुजरात नहीं बेच सकते। हाँ, ये कहना चाहते हैं? हाँ, अच्छा, हम नहीं चाहते। अच्छा, वो एक्ट है, रूल्स कह रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ के जो तो उनका ही अभी कई लोग है ना, नागपाड़ा, बोरीवली और ये मुलुंड, इधर से जो माल आता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है? बाहर के मार्केट में बेचते। हाँ, उधर से डायरेक्ट समझो बोरीवली में जाना है, तो ऐसा डायरेक्ट को नहीं बेच सकते, बेच नहीं सकते, तो बेचता है। इसीलिए ये लोग जो होलसेल वाले हैं ना, वो लोग ने हरकत लिया, ऑब्जेक्शन लिया कि ऐसा क्यों है रूल। फिलहाल अभी गेंद बाजार समिति के पाले में है, ऐसे में देखना होगा टमाटर विक्रेताओं की समस्याओं का क्या समाधान निकलता है। खबर लेके जाने तक 35 टमाटर की गाड़ियों को रोक कर रखा गया था।